हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज ब्यूटी स्पॉट। सो आज हम ये ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस आई लुक सीखने वाले हैं। एंड ये कुछ मेरे फोटोज हैं जो मैंने मोबाइल से खींचे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपने क्राइलॉन पैलेट से एक कंसीलर उठा लिया है। आप चाहे तो फाउंडेशन भी उठा सकते हैं जो आपके आई शेडो का बेस बनेगा। मैंने इसे पहले अपने फिंगर्स से ही लगाया है। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक स्पॉन्ज से उसे डैप डैप कर लिया है एंड देन पाउडर लगा दिया है। सो पाउडर करने के बाद हम अपने आई मेकअप को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने पहले एक बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का शेड लिया है जो मैं अपने कट क्रीज पे लगाने वाली हूँ। एंड मैंने साथ में ब्लेंड भी कर लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश से। उसके बाद मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक ब्लैक आई शेडो उठा रही हूँ एंड वो मैं अपने आउटर वी कॉर्नर पे लगा रही हूँ। एंड इसको बहुत ध्यान से लगाना, कॉज ये ब्लैक है और कहीं भी फैल सकता है। सो बहुत ही सावधानी से, राइट? आप शेप का ध्यान दीजिएगा, कॉज उसके बाद हम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे जिस भी डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे वो उसी डायरेक्शन में ब्लेंड हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने ब्लेंडिंग के स्ट्रोक्स पर भी ध्यान देना होगा, बिकॉज ये ब्लैक है तो इसे बहुत ही सेफली हमें हैंडल करना है। सो थोड़ा सॉफ्टली लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बाद में हम इसे डार्क भी करेंगे। इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लू कलर ले लिया है जो मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में कि वो कैसा ब्लू है। वो हमें स्टार्टिंग ऑफ द आईलिड्स पे लगाना है, लाइक इनर वी पे। एंड हाफ लिड से ज़्यादा कवर करना है हमें, बिकॉज इसके ऊपर हम ब्लू शिमर भी डालने वाले हैं एंड उसका शाइन जो है वो इस बेस के ऊपर और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके लिए मैंने डार्क बेस चूज़ किया है। फिर मुझे ब्लैक थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा और डार्क कर लिया है। अगर आप नहीं करना चाहते ये तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। नेक्स्ट मैं अपने पैलेट से ब्लू शिमर लेने वाली हूँ एंड मैं वो अपने फिंगर्स से अप्लाई करूँगी, बिकॉज उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है एंड जहाँ मुझे चाहिए वहीं होगा, राइट? एंड आपको उसे डैब डैब करके ही लगाना है, वरना जो ब्लू कलर है नीचे का वो निकल जाएगा। सो डैब डैब करके ही लगाना है शिमर्स को। एंड आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लग रहा है। आई लव दिस कलर। सो नाउ इट्स लाइनर टाइम गाइस। सो इस लुक के ऊपर मुझे पर्सनली विंग्ड आईलाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी अगर स्मॉल आइज है तो आप कोई नॉर्मल बॉक्स लाइनर भी लगा सकती हैं, वो भी इसके ऊपर अच्छा ही दिखेगा। तो हमारे आईलिड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे के पार्ट पर जाते हैं। तो जो लोग मुझे ऑब्वियसली पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं काजल ज़्यादा नहीं लगाती, बिकॉज मेरी आईज बहुत ज़्यादा वॉटरी है। उसके बदले मैंने ब्लैक आई शेडो ले लिया है एंड उसी को अच्छे से स्मज ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। बट देन मुझे लगा कि इस आई शेडो पे वाइट कलर का काजल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सो मैंने वो भी ट्राई करके लगाया है। बट आप देख सकते हैं मैं आधे में ही रुक गई हूँ, बिकॉज मेरी आईज वॉटरी हो गई थी और मुझे ये वेस्ट नहीं करना था। बट आप लोग डेफिनेटली ब्लैक या वाइट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे। सो हमारा आई लुक 80% कंप्लीट हो चुका है और ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई लैशेज लगाने के बाद तो आए हाय चार चांद लग जाएंगे इस पर। एज़ यू कैन सी गाइज, आई लैशेज लगाने के बाद कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। स्टिल मुझे थोड़ी दिक्कत हुई लैशेज लगाने में, बिकॉज मैं खुद के ऊपर लैशेज बहुत कम लगाती हूँ, दूसरों पर ही ज़्यादा लगाती हूँ। सो मेरी प्रैक्टिस खुद पर बहुत कम है, बट स्टिल I somehow managed to do it. And my eyes are looking so pretty. Okay, so now eyebrows का part complete करने की बारी है, cause वो बहुत ज़्यादा important है। अगर eye look अच्छा दिखे and eyebrows अच्छे ना दिखे ना तो भी eye look ख़राब हो सकता है। तो मैंने यहाँ अपने bracket में से black and brown color ले लिया है। आप चाहे तो eye shadow का भी use कर सकते हैं, वो भी same काम आता है। So अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ब्रो बोन पे एंड इनर वी पे, लाइक इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया ताकि वो आईज थोड़ी सी पॉप अप हो जाए, एज यू ऑल कैन सी। एंड हियर इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, एक आईलैशेस के साथ एंड दूसरी बगैर आईलैशेस के, यू ऑल कैन सी द डिफरेंस। कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है ये। थैंक गॉड मैंने आज आईलैशेस लगाए थे एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनकी वजह से। सो अगर आप यहाँ से कुछ न्यू एंड अच्छा सीख के जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो लाइक करना भी। ओके बाय।